लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आशा है आपने पूज्य गुरुदेव का आत्म साक्षात्कार दिवस खूब धूमधाम से मनाया होगा और नवरात्रि में सारस्वती मंत्र के जप अनुष्ठान का भी लाभ ले रहे होंगे। नवरात्रि के बाद आता है दशहरा। क्या आपको पता है दशहरा क्यों मनाया जाता है? दशहरा यानी 10 पापों को हरने वाला, 10 शक्तियों का विकास करने वाला, 10 दिशाओं में मंगल करने वाला और 10 प्रकार की विजय देने वाला पर्व है। इसीलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं। ये अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, दुराचार पर सदाचार की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय, जीवत्व पर शिवत्व की और पशुत्व पर मानवता की विजय का पर्व है। इस दिन कोई भी शुभ कर्म करने के लिए पंचांग या शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। बिना मुहूर्त के मुहूर्त का दिन है विजयादशमी। इसीलिए इस दिन कोई भी वीरता पूर्वक काम करने वाला सफल होता है। इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। इसी दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया था। शिवाजी महाराज ने भी इसी दिन युद्ध का आरंभ किया था और रघु राजा ने इसी दिन कुबेर पर चढ़ाई करके स्वर्ण मुहरों की वर्षा करवाई थी। पूज्य बापूजी कहते हैं, बाहरी शत्रुओं की तरह मन में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार रूपी शत्रु घात लगाए बैठे हैं। इससे पहले कि ये शत्रु हावी हो जाएं, उठ, खड़ा हो, संयम, सेवा, साधना रूपी शस्त्र धारण कर, गुरु कृपा रूपी रक्षा कवच धारण कर, दृढ़ संकल्प कर आगे बढ़। विकार रूपी शत्रुओं के सिर उठाने के पहले ही ओमकार गुंजन की गदा का प्रहार करके उन्हें कुचल दे। बाहरी शत्रुओं के साथ साथ भीतर के शत्रुओं पर भी विजय पाने का दिन है विजयादशमी। तो पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। प्राणायाम। सभी बच्चे अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। चार उंगली एक तरफ, अंगूठा दूसरे तरफ, नाक पकड़ो, दाहें नथुने से श्वास लो, बाहें बंद करो, और बाहें से धीरे धीरे छोड़ो, झटके से नहीं छोड़ना। छोड़ दिया, फिर दाहें नथुने को नाक से बंद रखो, बाहें से श्वास लो, लो लो लो, खूब लो खूब लो, फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाओ, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, आरोग्य शक्ति बढ़ेगी, रोको। फिर दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो, मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो, ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो, बाएं बंद करो, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो, मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो, ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो, बाएं बंद करो, दाएं से छोड़ो। अब सभी बच्चे ओमकार गुंजन करेंगे। ओमकार मंत्र गायत्री छंद, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि
अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी देवता, ईश्वर प्रीति अर्थे, ईश्वर प्रीति अर्थे, परमात्मा प्राप्ति अर्थे, प्राप्ति अर्थे, परमात्मा आनंद अर्थे, आनंद अर्थे, जपे विनियोग, जपे विनियोग, हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। स्तुति। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। सभी बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना भाव में आंखें बंद करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। एकदन्तं महाकायं लंबोदरं गजाननं विघ्नाशकरं देवं हेरंबं प्रणाम्यहम्। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले शशि वर्ण चतुर्भुज सदैव प्रसन्न रहने वाले सभी विघ्नों को शांत करने वाले श्री गणपति भगवान का हम ध्यान करते हैं। हे एक दंत महाकाय लंबोदर गजानन विघ्नों का नाश करने वाले देव आपको बारंबार प्रणाम है। बच्चों अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। Thank you.
बच्चों अब बारी है कहानी की। रघु राजा के काल में एक ऋषि हुए जिनका नाम था वरतंतु। उनके शिष्य का नाम था कौत्स। कौत्स विद्याध्ययन समाप्त करके जब घर जाने लगा तो उसने अपने गुरुदेव से गुरु दक्षिणा के लिए निवेदन किया। गुरुदेव ने कहा, वत्स, तुम्हारी सेवा ही मेरी गुरु दक्षिणा है, तुम्हारा कल्याण हो। परंतु कौत्स ने बार बार गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह किया। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और कहा, तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाकर दो। अब इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाएं? परंतु गुरुजी ने आज्ञा की है। कुमार कौत्स रघु राजा के पास गए और सारी बात बताई कि मुझे गुरुदेव को दक्षिणा देनी है। रघु राजा बड़े धर्मात्मा थे। अपने द्वार पर आने वाले को वे कभी खाली नहीं भेजते थे। रघु राजा ने विचार किया कि इतनी स्वर्ण मुद्राएं तो राजकोष में भी नहीं होंगी, क्या करें? आखिर उन्होंने निर्णय लिया कि वे कुबेर से धन वर्षा करवाएंगे। रघु राजा ने दशहरे के दिन कुबेर के यहाँ चढ़ाई कर दी और कुबेर को कहा, या तो स्वर्ण मुद्राओं की बरसात करो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कुबेर ने शमी वृक्ष पर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा की। रघु राजा ने वो धन ऋषि कुमार कौत्स को दिया और ऋषि कुमार ने वो सारा धन अपने गुरुदेव को दक्षिणा के रूप में अर्पण कर दिया। इसीलिए ये विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष का पूजन किया जाता है। तो देखा बच्चों, दशहरा तुम्हें संदेश देता है कि जो प्रसन्न चित है, पुरुषार्थी है, उसे ही विजय मिलती है। जो उत्साहित है, कार्यरत है, जो 1000 विघ्नों पर भी चिंतित नहीं होता, 1000 दुश्मनों से भी भयभीत नहीं होता, वो महादुश्मन जन्म मरण के चक्कर को भी तोड़कर फेंक देता है। साखियां। मन कर्म वाणी से तथा जो शुद्ध पावन होए है, अधिकारी सो ही योग का ज्ञान पाता सोए है। हो तू सदाचारी सदा, मन इंद्रियों को तू जीत रे, ना स्वप्न में भी दूसरों की तू बुराई चीत रे। अब हम गाएंगे मधुर भजन। तेरे तन मन धन की तपस्या, तेरे जीवन की कुर्बानी। सुविचार। 5 ज्ञानेंद्रियां अर्थात देखने, सूंघने, चखने
सुनने, स्पर्श करने की शक्ति तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार अंतःकरण, इन नौ को सत्ता देने वाली जो परमात्म चेतना है, इसकी शक्ति जो विद्या में हो तो विद्या में आगे बढ़ते हैं, जो बल में हो तो बल में आगे बढ़ते हैं, योग में हो तो योग में आगे बढ़ते हैं, और सब में थोड़ी थोड़ी लगे तो सब दिशाओं में विकास होता है। खेल, अब हम खेलेंगे एकाग्रता बढ़ाने का मजेदार खेल। सभी बच्चे जमीन पर बैठ जाएंगे। शिक्षक जब रामायण के पात्र का नाम बोले तो अपना दायां हाथ ऊपर करेंगे, और जब महाभारत के पात्र का नाम बोले तो अपना बायां हाथ पर करेंगे। जो बच्चा गलत करेगा वो खेल से बाहर हो जाएगा और बाकी बच्चे खेल को जारी रखेंगे। जो बच्चा अंत तक सही करता जाएगा वही विजेता होगा। उसके पीछे वाले द्वितीय व तृतीय विजेता होंगे। संस्कृति सुवास, गणित के क्षेत्र में भारत का योगदान। बोधायन ऋषि ने सबसे पहले उस प्रमेय को समझाया था जिसे आज हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। शून्य व बाइनरी प्रणाली की आर्यभट्ट ने खोज की थी। नासा के वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रिक्स कहते हैं, बाइनरी प्रणाली जिसका अभी कंप्यूटर में उपयोग होता है वो भी भारत की ही खोज है। 11वीं सदी में श्रीधराचार्य ने बीज गणित के अनेक महत्वपूर्ण आविष्कार किए। वर्गात्मक समीकरण क्वेश्चन इक्वेशन को हल करने का नियम आज भी श्रीधर नियम अथवा हिंदू नियम के नाम से प्रचलित है। 100वीं ईस्वी पूर्व भारत ने गणित के स्थानीय मूल्य यानी वैल्यू सिस्टम और दशमलव प्रणाली को विकसित कर लिया था। तभी तो विश्व के महान भौतिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, हम भारतीयों के अत्यंत ऋणी हैं कि उन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना कोई भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। ज्ञान का चुटकुला। मास्टर जी, बच्चों बताओ, खाने से पहले अपने हाथ क्यों धोने चाहिए? चिंटू, ताकि मोबाइल पर दाग ना पड़ जाए। सीख, खाना खाते समय मोबाइल नहीं देखना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करके शांत मन से खाना खाना चाहिए। पर्व मांगल्य, दशहरा विशेष। बच्चों, दशहरा में क्या करना चाहिए? दशहरा के दिन शाम को जब सूर्यास्त होने का समय और आकाश में तारे उदय होने का समय हो तो वो सर्व सिद्धिदायी विजय काल कहलाता है। उस समय घूमने फिरने मत जाना, दशहरा मैदान मत खोजना, रावण जलता देखकर क्या मिलेगा। दशहरा के दिन शाम को घर पे ही स्नान करके धुले हुए कपड़े पहनकर ज्योत जलाकर बैठ जाएं। विजयदशमी है ना, तो राम जी का नाम मंत्र राम रामायण नमः की एक दो माला जप लें। फिर मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम करके भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने हेतु विजयी मंत्र ओम अपराजिताय नमः की एक दो माला जप करें। इस काल में श्री हनुमान जी का सुमिरन करते हुए इस मंत्र की एक माला जप करें तो कठिन से कठिन कार्य भी सरलता से संभव हो जाते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। फिर गुरु मंत्र की माला कर ले, फिर देखो अगले साल की दशहरा तक बहुत बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। क्या करें क्या ना करें? नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए दशहरे से शरद पूर्णिमा तक प्रतिदिन रात्रि में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के आगे त्राटक करें। स्वास्थ्य सुरक्षा, स्मृति शक्ति लौटाने हेतु प्रयोग।
आजकल ऐसी अंग्रेजी दवाओं के बारे में सुना गया है जो बड़े आदमियों को धोखे से दी जाती है और उनकी स्मृति गायब हो जाती है। जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ यही साजिश हुई। अन्य किसी कारण से भी स्मृति चली जाए तो उसमें ये उपाय आप करें और इसे औरों तक पहुंचाएं। 5 ममरी बादाम रात को भिगोकर सुबह छिलके उतारकर पीस लें। 250 मिलीलीटर दूध में सम भाग पानी, 11 काली मिर्च, पिसे हुए बादाम व मिश्री मिला लें। फिर मिलाया हुआ पानी जल जाने तक उबालें। गुनगुना होने पर ओम श्री सरस्वत्यै नमः मंत्र जपते हुए चुस्की लेते हुए पिए। इससे याद शक्ति व शारीरिक बल बढ़ता है, खोई हुई स्मृति शक्ति पुनः आ जाती है। योगासन, हलासन। इस आसन में शरीर का आकार हल जैसा बनता है, इसीलिए इसको हलासन कहा जाता है। लाभ, हलासन के अभ्यास से पेट की चर्बी, कब्ज, थायराइड, दमा, कफ, रक्त विकार, गले के दर्द, सिर दर्द, वीर्य विकार दूर होते हैं। इस आसन से नाड़ी तंत्र शुद्ध होता है, लिवर अच्छा होता है, छाती का विकास होता है, रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, युवावस्था की शक्ति, स्फूर्ति, स्वास्थ्य और उत्साह बना रहता है। विधि, भूमि पर बिछे हुए आसन पर चित्त होकर लेट जाएं, दोनों पैरों को एक साथ धीरे धीरे ऊंचे करते जाएं, आकाश की ओर पूरे उठाकर फिर पीछे सिर के तरफ झुकाएं, पैर बिल्कुल तने हुए रखकर पंजे जमीन पर लगाएं, थोड़ी छाती से लगी रहे। कुछ मिनट तक इस आसन में रहने के बाद धीरे धीरे पुनः शवासन स्थिति में आ जाएं। जल्दीबाजी ना करें। उन्नति की उड़ान। दशहरे के दिन तुम्हारा मन रूपी घोड़ा परमात्मा रूपी द्वार की तरफ ना दौड़े तो कब दौड़ेगा? सत्संग मनुष्य को जीवन के संग्राम में विजय दिला देता है। दैवी संपदा की उपासना राम की उपासना है और वासना के वेग में बह जाना, अहंकार को पोषित करके निर्णय लेना, ये रावण का रास्ता है। अहंकार को विसर्जित करके सबकी भलाई हो ऐसा यत्न करना, ये राम जी का रास्ता है। विजयदशमी से हमें ये संदेश मिलता है कि भौतिकवाद भले कितना भी बड़ा हो, अधार्मिक अथवा बहिर्मुख व्यक्ति के पास कितनी भी सत्ताएं हो, कितना भी बल हो, फिर भी अंतर्मुख व्यक्ति डरे नहीं, उसकी विजय जरूर होगी। जिसके पास मौन की शक्ति है, संयम की शक्ति है, जिनकी आध्यात्मिक शक्तियां विकसित हो गई हैं, उनके कार्य बिना चौघड़िया देखे भी सफल हो जाते हैं। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, अहि रावण का वध किसने किया था? विकल्प, राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, भरत जी। सही उत्तर, अहि रावण का वध हनुमान जी ने किया था। वो रावण का भाई था और पाताल लोक में शासन करता था। गृह कार्य। अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियों को दोहराएंगे। ओम हरि 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 ओम। गुरु निंदक के संग से होता सत्यानाश,
गुरु निंदा जो करे सुने पड़े वो यम की फांस। गुरु आज्ञा पालन करे अन्य भावना त्याग। ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य रहे शिष्य वही बड़ भाग। गुरु मंत्र जपता रहे करता जो नित्य ध्यान। गुरु सेवा में लगा रहे निश्चित हो कल्याण। घटना है गोधरा की न्यारी दुनिया में चर्चित हुई भारी। आशा राम जी का हेलीकॉप्टर गिरा गोधरा की धरती पर। पुर्जे चकना चूर हो गए और गगन में दूर उड़ गए। हजारों की भीड़ थी आई फिर भी किसी को खरोच न आई। श्वेत ईंधन की फूटी टंकी लगी आग बुझ गई स्वयं ही। हादसा जब भी ऐसा हुआ है ना कोई जीवित स्वस्थ बचा है। बापू तुरंत पंडाल पधारे किया नृत्य हर्षित हुए सारे। चमत्कार था अजब अनोखा दुनिया ने घर बैठे देखा। ओम हरि 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 ओम। वीडियो सत्संग अब हम देखेंगे पूज्य गुरुदेव की दिव्य लीला। मेरे आत्मस्वरूप राम को मेरा धन्यवाद है। दोस्त रावण, मैं बाहर से तुम्हें अपना विरोधी दिखता हूं लेकिन आत्मरूप से तुम मैं हो और मैं तुम हूं। तुमको पता है रावण है? राम का कोई दुश्मन नहीं। राम का कोई दुश्मन नहीं तो आशाराम का कौन दुश्मन? रावण अब तुम तैयार हो जाना। आखिरी श्वास गिन लो। जो भी तुम्हें चिंतन करना हो कर लो। रावण ठहरो ठहरो। रावण तुम दिल के बुरे नहीं थे, कर्म के बुरे नहीं थे, विचारों के बुरे नहीं थे, सूझबूझ के बुरे नहीं थे और कुल खानदान से तुम बुरे नहीं थे रावण। लेकिन जगत की वासना, जगत में बड़ा होने का अहंकार और ललनाओं के सौंदर्य से सुखी होने की गलती ने तुम्हें बुराई की ओर धकेल दिया रावण। और तुम्हें पता है, तुम जब आखिरी श्वास गिन रहे थे मैंने अपने भैया लक्ष्मण को तुम्हारी ओर भेजा था। रावण, मैंने कहा था कि धरती से एक महायोद्धा जा रहा है, महाविद्वान जा रहा है, महाराजनीतिज्ञ जा रहा है। जाओ लखन, रावण से कुछ उपदेश ले लो। रावण, लखन तुम्हारे सिर चढ़कर उपदेश मांगता था, तुम चुप रहे। लखन लौट के आया। मैंने कहा रावण के चरणों के तरफ जाकर लखन तू उपदेश मांग। भैया रावण, न राम तेरा दुश्मन है न आशाराम तेरा दुश्मन है। दुनिया को सबक सिखाने के लिए मुझे ये थोड़ा कुछ करना पड़ता है और तुझे पता है इस खेलकंडों से तेरी मृत्यु नहीं होती। शरीर खेलकंडा है और अभी का तेरा स्वरूप भी खेलकंडा है। रावण, मैं राम बना, मैं रावण था, अब वेद कसमें खाते हैं। हम क्या क्या स्वांग रचाते हैं। रावण जलाने के पीछे ना समझी जलनी चाहिए, नारेबाजी जलनी चाहिए,
रावण के प्रति नफरत अपना दिल गंदा करेगी। रावण के प्रति द्वेष नहीं, राम के प्रति राग नहीं, राम के प्रति सूझबूझ और रावण के प्रति सूझबूझ। राम और रावण एक ही चैतन्य की लीला है और जगत को संदेश देने के लिए लीला होती रहती है। रामा अवतार रावण और कुंभकर्ण को भेजने के लिए हुआ है, ऐसा इतिहास में तुमने सुना था। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, मुझे रावण के प्रति कतई दोष नहीं, कतई द्वेष नहीं। और रावण मरते मरते मेरा स्मरण करके गया और मैंने अपने धाम में भेजा था उसको। जब मैं रावण के लिए नफरत नहीं करता हूं तो तुम्हें भी रावण के लिए नफरत नहीं करना है, रावण की मान्यता के प्रति सावधान होना है कि दुनवी चीजों से तुम पूर्ण निर्दुख नहीं हो सकते हो, दुनवी चीजों से तुम पूर्ण संपन्न नहीं हो सकते हो। सोने की लंका बनाने वाले रावण भी अपनी प्रजा को और अपने को निर्दुख नहीं कर पाए। तो आज के नेता भाषण करते हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नेता भैया इस दशहरे के संदेश से थोड़ा सावधान हो जाओ। बाहर से भले भाषणबाजी करके कुर्सी बना लो, भीतर से समझना कि सत्संग के बिना उद्धार नहीं है। ठहरो, कुछ श्वास और लेने दो मेरे प्रतिद्वंदी रावण को, मुझे जल्दी नहीं और इन्हें भी जल्दी नहीं। इतने प्यारे भक्तों के बीच इनकी स्वर्ग यात्रा हो रही है, मेरे धाम में जाने की यात्रा हो रही है, ऐसे भक्त वहां नहीं मिलेंगे। राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा रोए, क्या करूं तुम्हारी वैकुंठ हो जहां साध संगत नहीं हो। दो मिनट और दम ले ले यार, मुझे जल्दी नहीं लगती। भक्तों को जल्दी है क्या? गुरुजी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, सिर्फ खड़े ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, जलता हुआ रावण भी रुक जाएगा। हाँ रुक जाएगा, हाँ रुक जाएगा, रुके रहो यार। नहीं नहीं जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। हर दशहरे को वही की वही बात नहीं होती, हर दशहरे को दिने दिने नवम नवम, दशहरे दशहरे नवम नवम, नमामि नंद नंदनम। Thank you.
बच्चे अपने अपने स्थान पर पूज्य गुरुदेव की आरती करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हर्तुमे पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। पिता तुम मेरे शरण गहो मैं किसकी स्वामी शरण गहो मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा प्रभु बिन और ना दूजा आस करूं मैं जिसकी। पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी। मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगो सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया मैं किस विध मिलो दया मैं दो मुझको सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हर तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ दया में शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझ
जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे स्वामी मोहिना विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं हम सम तुमको बहुत हैं तुम सम हमको नाहीं दीन दयाल को वेनती सुना हो गरीब नवाज जो हम पूत कपूत हैं तो है पिता तेरी लाज हरि हरि ओ ओ साधक मांगे मांगना प्रभु दे जो मोह दो बापू हमारे स्वस्थ रहें आयु लंबी हो दर्शन जल्दी हो हरि हरि ओ ओ ओम तं नमामि हरिं परम ओम तं नमामि हरिं परम ओम तं नमामि हरिं परम ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति 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 श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम दुर्जनः सज्जनो भूयात् सज्जनः शांति माप्नुयात् शांतो मुच्येत बंधेभ्यो मुक्ताश्नान्यान्न विमोचयेत्। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। परमात्मा सदा सर्वदा पूर्ण है, ये जगत भी उस परब्रह्म से ही पूर्ण ही है। ये पूर्ण उसी पूर्ण से ही उत्पन्न हुआ है, उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल देने पर भी वो पूर्ण ही शेष रहता है। हे ईश्वर, सभी दुर्जन सज्जन हो, सज्जन को शांति प्राप्त हो, शांतात्मा मुक्तात्मा हो, मुक्तात्मा दूसरों को बंधन से मुक्त करें। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञान वर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।